हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेक नेस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग अपडेट एंड अपडेट इफ के बारे में समझेंगे। अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपडेट एंड अपडेट इफ इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। अगर एज ए पावर अप डेवलपर डे टू डे लाइफ की बात करें तो अपडेट और अपडेट इफ का यूज ही बहुत ज्यादा करने को आता है। लाइक अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसमें अपडेट एंड अपडेट इफ का यूज तो आ ही जाता है। सो इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार में देखेंगे कि अपडेट और अपडेट इफ में डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस क्या है, और कहाँ पे अपडेट का यूज करना चाहिए और कहाँ पे अपडेट इफ का यूज करना चाहिए, दोनों का बेस्ट प्लेस कौन सा हो सकता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो पहले मैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अपडेट एंड अपडेट इफ का यूज करके भी बताऊंगा। और इसका थर्ड आर्गुमेंट जो अपडेट में यूज होता है, रिमूव फ्लैग डॉट ऑल, उसका यूज भी यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसका यूज किस सिचुएशन में किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी डेटा और स्टेबल में अगर आप अपडेट यूज करने का ट्राई करते हैं तो वहां पे अपडेट यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के अंत तक अगर आपको अपडेट और अपडेट इफ क्लियरली समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपडेट के बारे में। अपडेट एक पावर एफएक्स फंक्शन है। इस फंक्शन के हेल्प से हम लोग किसी भी एक टेबल में किसी एक पार्टिकुलर आइटम को अपडेट करते हैं। लाइक अगर आपको 8th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपडेट करना होगा, लाइक 60 टू 70 करना होगा, तो कैसे अपडेट करेंगे, तो वहाँ पे आप अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट अपडेट इफ के साथ भी अप्लाई होता है। अगर आपको किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो आप अपडेट इफ का यूज करके भी उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप अपडेट का यूज करेंगे तो अपडेट के साथ आपका स्ट्रक्चर जो है, अपडेट का जो सिंटेक्स है, वो आपका सबसे पहले सोर्स मांगता है, लाइक डेटा टेबल का नाम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट एट एंड अपडेट इफ क्लास, मैंने इस डेटा सोर्स टेबल का नाम ही रखा है अभी। सो डेटा सोर्स का नाम जब आप डालते हैं तो जो सेकेंड आर्गुमेंट होता है वो ओल्डर रिकॉर्ड मांगता है, लाइक किस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं। लेट्स से आप 7th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपडेट करके 58 से 70 करना चाहते हैं, तो आपको ये ओल्डर रिकॉर्ड वहां पे पास करना होगा और उसके बाद नया वाला रिकॉर्ड पास करना होगा, तब जाके ये रिकॉर्ड अपडेट होगा। बट अगर आप अपडेट करते टाइम सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास करेंगे और ये दोनों कॉलम पास नहीं करेंगे तो ये दोनों कॉलम ब्लैंक हो जाएगा, लाइक यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे जो अपडेट कर रहे थे वो अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा। तो अपडेट का तो कंसेप्ट ये रहा कि आपको एक ओल्डर डेटा पास करना है, लाइक ओल्डर रिकॉर्ड पास करना है, और उस ओल्डर रिकॉर्ड को जिस रिकॉर्ड से रिप्लेस करना है उसको वहां पे पास करना है, ठीक है, उसके बाद पास करना है। तो बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि अपडेट किसी एक पार्टिकुलर कॉलम के वैल्यू को अपडेट ना करके वो पूरे रिकॉर्ड को अपडेट करता है। अगर आप इसमें वैल्यू नहीं पास करेंगे तो उसका वैल्यू वो नल कर देगा और जिसका वैल्यू पास करेंगे उसका वैल्यू अपडेट कर देगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है अपडेट इफ का। सो अपडेट इफ में आप जिस रिकॉर्ड के जिस आइटम को अपडेट करना चाहेंगे वो पार्टिकुलर आइटम अपडेट हो सकता है। लाइक अगर आप 7th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं तो 58 से 70 ये अपडेट हो जाएगा, और जो यहाँ पे पहले से डेटा पड़ा हुआ है जो दूसरे कॉलम में अवेलेबल है अगर उसको आप पास नहीं करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये नल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस आइटम को अपडेट करना चाहते हैं वही आइटम अपडेट होगा, बाकी आइटम एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो अपडेट इफ का सिंटेक्स ये बोलता है कि पहले तो आप डेटा सोर्स टेबल का नाम पास कीजिए, उसके बाद वो कंडीशन पास कीजिए जहाँ पे आप
उस डेटा को अपडेट करना चाहते हैं। लाइक अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अगर पास कर देंगे कि जहाँ क्लास 7th है उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपडेट कीजिए, और वहाँ पे आप बैच का वैल्यू और क्लास का वैल्यू पास नहीं भी करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगा, ब्लैंक नहीं होगा। बट अपडेट के सिनेरियो में क्या हो रहा था कि वो क्लास और बैच वाले कॉलम के वैल्यू को नल कर दे रहा था, क्योंकि आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास कर रहे थे और इसको पास नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे ये नल कर दे रहा था। अगर आप चाहते हैं अपडेट फंक्शन से इसको अपडेट करें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारे डेटा को भेजना होगा। लाइक ओल्डर डेटा जिसको आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं उसको भी नए वाले रिकॉर्ड में भेजना होगा ताकि वो उसको नल ना करे। ठीक है, थियोरेटिकल कंसेप्ट तो अभी आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं पावर ऐप एप्लीकेशन में और इसको अपन यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐप के ऑन स्टार्ट पे जाएंगे तो मैं एक लोकल कलेक्शन क्रिएट किया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लोकल कलेक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ वो आपको मैं बताऊंगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटावर्स टेबल भी है जो सेम रिकॉर्ड होल्ड करता है, लाइक स्ट्रक्चर सेम होल्ड करता है, क्लास बैच और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेटा वेराई कर सकता है। सो कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये लोकल कलेक्शन में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ और डेटावर्स टेबल अभी क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सो सबसे पहले अगर हम लोग अपडेट का बात करें, ये एक डेटा टेबल है, डेटा टेबल में मैं इसको जो लोकल कलेक्शन बनाया हूँ ऐप के ऑन स्टार्ट पे इसका नाम रखा हूँ क्लास टेबल। ठीक है, तो क्लास टेबल को मैं क्या किया हूँ डेटा टेबल से कनेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पे, देखिए सोर्स में और फील्ड्स में जाके यहाँ पे मैं तीनों कॉलम इसका सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं दो बटन लिया हूँ, एक और अपडेट के लिए और एक अपडेट इफ के लिए। तो अपडेट पे आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए अपडेट तो फंक्शन है जो हम लोगों को यूज करना है किसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए, और किस टेबल में यूज करना है, किस कलेक्शन में वैल्यू को अपडेट करना है उसका नाम पास करते हैं। तो क्लास टेबल हमारा कलेक्शन का नाम है, यानी टेबल का नाम है जो मैंने यहाँ पे ऐप ऑन स्टार्ट पे क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपका ओल्डर रिकॉर्ड जाएगा। ओल्डर रिकॉर्ड मतलब कौन से रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं वो कैसे भेजेंगे, या तो आपको कोई ना कोई लुकअप फिल्टर या कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिससे कि वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड फिल्टर होके वहां पे आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने फिल्टर का यूज किया है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली क्लास टेबल में जाएगा और क्लास 5th वाले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा, बट ये एज ए टेबल रिटर्न करेगा। तो मुझे टेबल को तो अपडेट कर नहीं सकते, यहाँ पे हमको एक रिकॉर्ड पास करना है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन मैंने यूज किया है, फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा उस टेबल में से पहले वाले रिकॉर्ड को लाके रख देगा, मतलब क्लास टेबल में क्लास 5th को ये रिटर्न करेगा एज ए टेबल। उस टेबल से पहले रिकॉर्ड को कैच करने के लिए मैंने फर्स्ट फंक्शन का यूज किया है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें फिल्टर अगर मैं पूरा सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप नीचे देखें तो यहाँ पे डेटा टाइप दिखा रहा है टेबल, मतलब यहाँ पे टेबल आ रहा है, बट हमारा अपडेट फंक्शन टेबल एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड को अपडेट करता है, तो टेबल क्यों एक्सेप्ट करेगा। सही है ना, तो फिर टेबल से हमको रिकॉर्ड निकालने के लिए फर्स्ट फंक्शन का यूज करके हमको रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ तो डेटा टाइप रिकॉर्ड दिखाने लगा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब क्लास 5th हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, अब क्लास 5th में हम लोग जो चाहे वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिमूव फ्लैग तो पहले हटा देता हूँ। रिमूव फ्लैग में आप लोगों को समझाऊंगा क्यों यूज करते हैं और कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं वो रिकॉर्ड पास कर रहा हूँ जो अपडेट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट में 62 वैल्यू मैंने पास किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 5th के लिए 55 है। अगर मैं इस फॉर्मूला को रन करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 62 अपडेट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये बैच वाला कॉलम और क्लास वाला कॉलम का क्या होगा। आप सोच रहे हैं अपडेट के लिए मैं आपको जो पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट समझाया था उसमें ये भी समझाया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं 62, तो 55 से अपडेट होकर वो 62 तो हो जाएगा, बट ये क्लास और बैच का क्या होगा। क्लास और बैच में ये होगा कि हम लोग यहाँ पे क्लास और बैच में कुछ भी पास नहीं किए हैं तो इसको ये नल कर देगा। बेसिकली अपडेट क्या करता है, अपडेट फंक्शन पूरे रिकॉर्ड यानी सेंस कि ये जो ओल्डर रिकॉर्ड जो पास किए हैं
उस रिकॉर्ड को ही नए वाले रिकॉर्ड से रिप्लेस कर देता है, ये अपडेट नहीं करता, ये रिप्लेस ही कर देगा। टाइपो मिस्टेक है, लाइक बैच का स्पेलिंग गलत है, उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। लाइक अभी आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, मैं टाइपो मिस्टेक हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको प्ले मोड में अगर आप जाकर देखेंगे और मैं अपडेट को रन कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हुआ, 62 हो गया, बट क्लास और बैच पूरा नल हो गया। मतलब ये ओल्डर वाले रिकॉर्ड को नए वाले रिकॉर्ड से रिप्लेस कर दिया, अपडेट नहीं किया, रिप्लेस कर दिया, समझ रहे हैं। तो अपडेट फंक्शन जहाँ भी यूज करें वहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आप वाकई में अपडेट फंक्शन का यूज करके डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, तो वो सारा वैल्यू आपको फिर से भेजना होगा जो ऑलरेडी वहां पे है। लाइक क्लास वाला जो वैल्यू है और बैच वाला वैल्यू जो पहले से यहाँ पे था, उसको फिर से यहाँ पे भी भेजना होगा। लाइक यहाँ पे कॉमा देकर आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास क्या था, फिफ्थ था, तो यहाँ पे आप क्लास फिफ्थ भेज सकते हैं। ठीक है, फिर से उसके बाद क्या आएगा, बैच आएगा, तो बैच क्या था, 2023 और 2024 ये बैच था। तो बैच का स्पेलिंग मुझे फिर से यहाँ मिस्टेक करके भेजना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो वहीं सेम यहाँ पे भी भेजना होगा मुझे। मतलब कॉलम का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, वहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, फिर से ऐप को रन ऑन स्टार्ट कर दिया। अभी रन ऑन स्टार्ट करने के बाद ये मेरा फिर से टेबल लोड हो गया। अब हम लोग फिर से अपडेट का यूज करके ये देखते हैं कि अगर पूरा डेटा फिर से भेजते हैं तो ये क्या करता है, रिप्लेस करता है या क्या करता है, फिर से ब्लैंक तो नहीं छोड़ता है। मैं आप लोगों के श्योरिटी के लिए यहाँ रन करा देता हूँ। तो मैं अपडेट अगर कॉल करता हूँ तो फिर से 55 से 62 हो गया, बट ये क्लास फिफ्थ एज इट इज रहा, बैच भी 23 से 24 एज इट इज रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बैच और क्लास को एज इट इज पहले वाला ही भेज रखा है, ताकि वो फिर जब रिप्लेस करे तो रिप्लेस करते टाइम नए वाले रिकॉर्ड में भी वैल्यू रहे तो ये नल नहीं होगा। आप अपडेट अब क्लियरली समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप जब कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा रिमूव फ्लैग्स डॉट ऑल, रिमूव फ्लैग्स डॉट फर्स्ट। इसका क्या यूज होता है और कब यूज होता है, सो रिमूव फ्लैग्स डॉट ऑल का यूज तब करते हैं जब लेट से क्लास फिफ्थ यहाँ पे और सारे रिकॉर्ड्स होंगे, लाइक क्लास फिफ्थ का और भी रिकॉर्ड होगा, लाइक 2023 से 2024 का जो बैच है, मे बी यहाँ नीचे कोई और भी रिकॉर्ड होता 2024 से 2025 का, और उसमें भी जब क्लास आता फिफ्थ और उसमें भी कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब हम लोग क्लास से फिल्टर किए तो वो भी आता, ऑब्वियसली वो भी फिल्टर होके आता। तो जब ओल्डर रिकॉर्ड फिल्टर होके वो भी आ जाता, तो जब ये अपडेट उसको रिप्लेस करने जाता, लाइक ये नए वाले वैल्यू से रिप्लेस करने जाता, क्या वो दोनों को रिप्लेस कर देता? बाय डिफॉल्ट रिप्लेस दोनों को नहीं करता, बाय डिफॉल्ट ये टॉप वाले को रिप्लेस करता। अगर आप चाहते हैं कि दोनों को रिप्लेस कर दे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से दोनों को रिप्लेस करे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों का अपडेट हो, तो ये रिमूव फ्लैग डॉट ऑल यूज करना होता है आपको। तो सो रिमूव फ्लैग डॉट ऑल जब यूज करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड इस कंडीशन से मैच करेंगे उतने रिकॉर्ड को ये इस वैल्यू से अपडेट कर देगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही को अपडेट करे जिससे कि ये मैच कर रहा है, तो रिमूव फ्लैग डॉट वन होता है। ठीक है, जो रिमूव फ्लैग डॉट वन, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी देंगे तो वो वहां पे बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है वहां पे। ठीक है, रिमूव फ्लैग्स डॉट फर्स्ट, मैं वन बोला था, रिमूव फ्लैग्स डॉट फर्स्ट इसका नाम है। तो रिमूव फ्लैग डॉट फर्स्ट यूज देने का मतलब ही नहीं होता, अगर नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट ये एक ही डेटा को अपडेट करता है। यहां तक तो आप क्लियरली अब समझ गए होंगे कि अपडेट का यूज कब करना है और क्यों अपडेट का यूज करना होता है। जब आप अपडेट इफ को अगर देखते हैं तो अपडेट इफ में देखिए थोड़ा सा नहीं बहुत ही डिफरेंस है। अगर अपडेट इफ में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ओल्डर रिकॉर्ड नहीं पास करते, सब स्ट्रक्चर सेम है। अपडेट के जगह अपडेट इफ हो जाएगा, कलेक्शन का नाम जो डेटा सोर्स का नाम है वो आ जाएगा, और जो नया रिकॉर्ड अपडेट करना है वो भी आ जाएगा, बट आपको जो अपडेट करना सिर्फ उसी को भेजेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओल्डर रिकॉर्ड आप नहीं भेज रहे हैं। ओल्डर रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि जिस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड नहीं भेज रहे, सिर्फ एक कंडीशन ऐसा भेज रहे हैं जिससे कि वो रिकॉर्ड मिल जाए।
लाइक क्लास 8th मैंने सीधे कॉलम का नाम ही सेलेक्ट कर लिया। अगर आप डेट में जाके आप कॉलम का नाम सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड मांगता है, कॉलम का नाम नहीं मांगता है। यहाँ पे अपडेट हीप में आप डायरेक्ट कॉलम का नाम दे सकते हैं, और कॉलम के नाम पे जो वैल्यू है उसमें जो वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। लाइक क्लास में मैंने सीधे 8th को सेलेक्ट कर लिया, मतलब क्लास 8th में जाके हम लोगों को अपडेट करना है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू 60 करना है। लाइक यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 है तो 60 करना है। सो अगर आप इस फॉर्मूला को रन करेंगे तो ये बाकी जो वैल्यू है क्लास 8th और बैच 2023 2024 इसको टच नहीं करेगा, इसको एज इट इज छोड़ देगा। जैसे अपडेट क्या कर रहा था कि ये रिप्लेस कर दे रहा था और इसको भी नल कर दे रहा था, बट अपडेट इफ इसको टच नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक कंडीशन भेजे हैं, वहाँ पे आप रिकॉर्ड भेज रहे थे, यहाँ पे एक कंडीशन जा रहा है जो कंडीशन को मैच कर रहा है। उस कंडीशन से मैच होने वाले जितने भी रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड के सिर्फ उसी पार्टिकुलर कॉलम को ये अपडेट करेगा, समझ गए ना। तो अगर आप इसको रन करते हैं अपडेट इफ को, तो देखिए ये वैल्यू 60 अपडेट हो गया, बट क्लास और बैच एज इट इज है। यहाँ पे आप कुछ भी आप पास नहीं किए क्लास और बैच के लिए, फिर भी इसको ये नल नहीं किया है। क्यों नल नहीं किया है? क्योंकि ये वैल्यू को अपडेट कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है। अपडेट क्या कर रहा था? रिप्लेस कर रहा था। अपडेट इफ क्या कर रहा है? वैल्यू को अपडेट कर रहा है, करेक्ट। सो बेसिक डिफरेंस तो आप समझ गए, बेसिक या की डिफरेंस यही होता है। मतलब बेसिक में दो डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। दो डिफरेंस ये था कि अपडेट क्या कर रहा था, यहाँ पे ओल्डर रिकॉर्ड मांग रहा था, और अपडेट इफ यहाँ पे कंडीशन मांग रहा है, रिकॉर्ड नहीं मांग रहा है, अपडेट इफ कंडीशन मांग रहा है। फर्स्ट की डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। सेकेंड डिफरेंस, अपडेट क्या कर रहा था? उस मैच्ड रिकॉर्ड को रिप्लेस कर रहा था। रिप्लेस इन द सेंस कि उस पार्टिकुलर किसी एक कॉलम को अपडेट नहीं कर रहा था, जो कॉलम आप पास नहीं करेंगे उसको नल कर देगा, यानी वो रिप्लेस कर रहा था। सो आपको अगर पुराना वैल्यू भी वहां पर रखना है तो पुराने वैल्यू को भी फिर से पास करना होता है, ताकि वो पुराना वैल्यू वहां पर रहे, नहीं तो उसको भी वो रिप्लेस कर देगा। दूसरा चीज, ये मैंने डेटावर्स टेबल जो बनाया है इस पे मैं अपडेट फंक्शन अप्लाई करने का ट्राई कर रहा था, बट मैं नहीं कर पाया। कहीं से लिखा हुआ पढ़ के नहीं आ रहा हूं, मैं खुद से ट्राई किया और जो नहीं कर पाया वो बताया, और क्यों नहीं कर पा रहा हूं वो भी बता। अपडेट इफ अगर आप ट्राई करेंगे डेटावर्स टेबल पे तो वो काम करेगा, नो डाउट। बट अगर आप अपडेट का यूज करने जाएंगे डेटावर्स टेबल पे तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अपडेट जब आप यूज करने जाएंगे तो ये क्या करता है, एक वैल्यू को अपडेट ना करके कंप्लीट रिकॉर्ड को रिप्लेस करता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं। बट जब आप डेटावर्स टेबल में किसी भी आइटम को, जब किसी भी रिकॉर्ड को रिप्लेस करने जाएंगे ना, तो वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यहाँ पे हम लोगों के पास एक इनबिल्ट कॉलम है, जो इनबिल्ट कॉलम है वो यूनिकली एक एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कराता है। लाइक जो भी आप टेबल का नाम रखते हैं उसी टेबल के नाम से कॉलम का नाम भी क्रिएट होता है, और वो इनबिल्ट ही मशीन द्वारा ही क्रिएटेड होता है, लाइक सिस्टम द्वारा क्रिएटेड होता है। उसमें ऑटोमेटिकली GUID वैल्यू आता है, और ये GUID वैल्यू यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। ये GUID वैल्यू कहीं भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ये हर एक रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू लेके आता है। और इसी से आप किसी रिकॉर्ड को किसी एप्लीकेशन में या कहीं पे भी रीड कर सकते हैं। लाइक जब आपको किसी रिकॉर्ड को रीड करना होगा तो इसी वैल्यू के हेल्प से रीड करेंगे, क्योंकि यही यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। अपने पॉइंट पे आते हैं, अपडेट का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब आप अपडेट का यूज करते हैं तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड को रिप्लेस करता है, बट ये जो सिस्टम जनरेटेड वैल्यू है ये ना तो रिप्लेस होगा ना ये अपडेट होगा। इसलिए यहाँ पे डेटा सोर्स का रिस्ट्रिक्शन है जो अपडेट का यूज यहाँ पे नहीं करने दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अपडेट और अपडेट इफ फंक्शन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में पैच फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा, जिसके हेल्प से डेटावर्स टेबल में डेटा को ऐड और अपडेट कर सकते हैं। सो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।